यहाँ पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। बालाजी द्वारा नियुक्त कर्मियों ने सदर अस्पताल में वेतन भुगतान न होने को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी है। मौके पर कर्मियों ने बालाजी कंपनी पर गंभीर आरोप भी लगाए। एक कर्मी मुस्कान कुमारी ने कहा कि उनका वेतन कंपनी द्वारा 16,000 रुपए निर्धारित है, वहीं उन्हें कंपनी मात्र 5,000 रुपए देती है, वो भी 6 माह से 1 साल तक देरी से। कैसे परिवार का भरण पोषण हो समझ नहीं आता। वहीं सभी कर्मियों ने एक स्वर में पूरा वेतन न मिलने और 9 माह से 1 रुपए भी नहीं मिलने की बात कही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता शशि रंजन चौधरी कर रहे हैं। पलामू के युवा चेहरों राकेश तिवारी, रुद्र शुक्ला, कमलेश पांडे एवं राहुल दुबे ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए इस लड़ाई में कूद गए हैं। मौके पर राकेश तिवारी ने कहा कि महिलाओं की स्थिति देखकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का सरकार मखौल उड़ा रही है, जो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। रुद्र शुक्ला ने कहा कि बालाजी के द्वारा जितने भी कर्मी कार्यरत हैं पूरे झारखंड में भुगतान हो रहा है, लेकिन पलामू के विभागीय मंत्री होने के बाद भी भुगतान न होना शर्मनाक है। राहुल दुबे ने कहा कि भ्रष्टाचार का अड्डा बना अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ युवा पलामू हमेशा आगे बढ़कर लड़ाई लड़ेगी। कमलेश पांडे ने कहा कि वेतन घोटाला हो रहा है, माँ बहन भुखमरी के कगार पर है, इन कर्मियों की लड़ाई न्याय मिलने तक जारी रहेगी। मौके पर गायत्री देवी, आशा देवी, कुंती देवी, कौशल्या देवी, नंद किशोर, आकाश, करण, सुनीता, उर्मिला, संतोष, राजीव, हरेंद्र, श्वेता देवी, मालनी, लक्ष्मण समेत सैकड़ों कर्मी आंदोलन में डटे हुए हैं। हम लोग बालाजी एनजीओ के तरफ से बहाल है सदर हॉस्पिटल डाल्टनगंज में, और हम लोग को करीब 1 साल से वेतन नहीं मिला है, और हम लोग का वेतन 16,062 रुपया आता है और बालाजी 3 माह 6 माह में 7,000 रुपया देता है। और अब ऐसा है, पहले 3 माह में मिल जाता था, 4 माह में, अब ऐसा कर दिया है कि साल भर से हम लोग को वेतन नहीं मिला है। उस वेतन नहीं मिलने के वजह से हम लोग का दयनीय स्थिति बहुत खराब। मैं आप मीडिया बंधु के माध्यम से सबसे पहले तो यह कहना चाहूँगा कि आउटसोर्सिंग बालाजी बालाजी जो यहाँ है उसके माध्यम से बहुत सारे कर्मचारी सदर अस्पताल में लगभग 2-2.5 सालों से कार्यरत, लेकिन 1 साल से इन लोगों का कहना है कि वेतन नहीं मिला है। उसके बाद भी लोग आश्वासन पर लगातार 1-1.5 साल से बिना वेतन के काम कर रहे हैं, अपने घर के पैसे लगाकर जैसे तैसे अपने घर की दिनचर्या को चला रहे हैं, लेकिन ये लोग बाध्य होकर आज 2 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। देखिए, युवा पलामू सदर अस्पताल के लिए हमेशा कार्यरत है, चाहे वो सदर अस्पताल के अनियमितताएं हो, चाहे ये आज जो सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग पारा के लोग बैठे हुए हैं, इनका भी हम लोग समर्थन करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा चीज, मतलब अब हम लोग को शर्म आने लगा कि जिस पलामू में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है, और जो सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाती है, ये महिलाएं जो आज बैठी हुई हैं, कितना शर्म आता है मुझे कि आखिरकार ऐसा क्या आफत पड़ गया है कि जितना बेटी पढ़ा बेटी बचाओ का एड जो लगाते हैं, अगर वो पैसा इनको दे देते तो ये यहाँ पे आज बैठे हुए नहीं होते। एड देना बंद करिए, मैं रघुवर सरकार को कहना चाहता हूँ, एड आप बंद करो और इनको जितना जल्द हो सकता है इनको पेमेंट दो। 1 साल और 2 साल से पेमेंट मत रखो, क्योंकि सदर अस्पताल का व्यवस्था तो ऐसे भी खराब है, और ये भी अगर हट गए तो यहाँ का क्या होगा, हम लोग को बहुत शर्म आ रहा है। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।